हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तुलसी शर्मा। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और कैसा रहा आपका करवा चौथ का फेस्टिवल? आई होप काफ़ी इंजॉयबल रहा होगा। और अब दिवाली आने वाली है फ्रेंड्स, तो उसकी तैयारी में सभी लोग लगे हुए हैं। होम डेकोरेशन के लिए हमें बहुत सारी परचेजिंग करनी होती है दिवाली पर, तो कुछ परचेजिंग मैंने भी की है और ये सामान कुछ मैंने ऑनलाइन परचेज किए हैं। अभी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट चल रहे थे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सारी ही साइट्स पर, तो मैंने वहाँ से थोड़ी सी परचेजिंग की है फ्रेंड्स। और कुछ मैंने मार्केट से भी परचेज किया है, तो अगर आप लोगों को पसंद आए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जो मैंने ऑनलाइन परचेज किया है उन सामान का। और दिवाली तक काफ़ी अच्छे डिस्काउंट चलते रहेंगे फ्रेंड्स, तो आप अपने विश लिस्ट में डाल के रखिए और आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या है ये डेकोरेशन के सामान। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने मंगाए हैं ये कुछ वॉल स्टिकर। ये 3 स्टिकर हैं और ये मैंने मंगाए हैं अमेज़ॉन से, काफ़ी अच्छे प्राइस पे मुझे मिल गए थे। और इनका जो प्राइस था, डिस्काउंट प्राइस था, वो मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगी फ्रेंड्स। तो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे ये वॉलपेपर मुझे मिले। और आप देख सकते हो, एक वॉलपेपर मैंने वॉल पे स्टिक किया हुआ है, कुछ ऐसे ही अलग अलग डिज़ाइन के ये मैंने मंगाए हुए हैं। क्योंकि अगर आप का रेंटल हाउस है तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है अपने घर को डेकोरेट करने का। तो फिलहाल मैंने ये 3 मंगाए हैं और भी मैं देखूंगी, अभी तो दिवाली दूर है तो और भी शॉपिंग करूंगी। तो ये 3 स्टिकर हैं, वॉल स्टिकर। और फिर मैंने मंगाए हैं लाइट्स। मैंने कभी भी ऑनलाइन लाइट्स परचेज़ नहीं किए थे, फर्स्ट टाइम परचेज़ किए हैं, तो इसीलिए मैंने 2 ही मंगाए थे फ्रेंड्स। तो ये है, ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। और ये है 3 मीटर 30 LED है इसमें, 3 मीटर है। तो ये है बैटरी वाला लाइट और ये बना हुआ है कॉपर से, आप देख सकते हो। और इसमें छोटे छोटे से ये बल्ब लगे हुए हैं, तो इनका टूटने का काफ़ी कम डर रहता है फ्रेंड्स। ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और काफ़ी सेफ होते हैं, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कहीं भी इसे लगा सकते हो, अंडर वाटर भी इसे यूज़ कर सकते हो। जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं उसमें ये मेंशन हो रखा था कि आप इसे अंडर वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सेफ लाइट हैं और इसमें बैटरी डाल सकते हो आप, बैटरी डालने के बाद इन्हें यूज़ कर सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हमें लाइट्स लगाने होते हैं, वहाँ पर प्लग इन करने के लिए कोई बोर्ड नहीं होता है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ऐसी जगहों के लिए। और इसको कुछ पीछे की साइड से यहाँ ओपन लिखा हुआ है और इसको ऐसे स्लाइड करना है तो ये निकल जाएगा। और यहाँ पे आपको बैटरी इंसर्ट करने हैं, 3 बैटरी हैं ये, और इसको स्लाइड करके ही आपको ऐसे बंद कर देना है। और यहाँ से जब आप ऑन करेंगे तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी लाइट है इसकी, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड्स, काफ़ी सेफ है। बच्चों के साथ में काफ़ी डर लगा रहता है फ्रेंड्स, जब भी हम लाइट्स लगाते हैं तो हमें काफ़ी डर लगा रहता है बच्चे छू ना लें और उनको शॉक ना लग जाए। बट ये इलेक्ट्रिक शॉक फ्री है फ्रेंड्स, इसे छूने से कोई शॉक नहीं लगेगा आपको। आप देख सकते हो मैं पकड़े हुई हूँ, काफ़ी सेफ हैं ये, तो बच्चों के साथ भी कोई डर नहीं है, आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छी लाइट है। और ये है बैटरी वाला, और मैंने USB वाला भी एक मंगाया हुआ है, और ये मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से। मुझे दोनों की ही क्वालिटी चेक करनी थी, इसलिए मैंने क्वालिटी चेक करने के लिए एक पीस अमेज़ॉन से मंगाया और एक पीस फ्लिपकार्ट से मंगाया। आप देख सकते हो यहाँ वाटरप्रूफ लिखा हुआ है। और ये है 5 मीटर, नो USB वाला मैंने ऑर्डर नहीं किया था, ये प्लग वाला है। तो आप देख सकते हो काफी अच्छा है ये भी, और ये उससे थोड़ा बड़ा है, ये 5 मीटर समथिंग है।
और इसका प्राइस क्या था मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगी और उसका भी प्राइस मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगी। तो जहाँ पर प्लग इन करने का बोर्ड नहीं है तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, और जहाँ आप प्लग लगा सकते हैं बोर्ड अवेलेबल है तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। एक USB वाला भी ऑप्शन आता है इसमें, वो मैंने फ़िलहाल ऑर्डर नहीं किया है बट मैं उसको भी मंगाऊंगी। तो ये थे लाइट्स दिवाली के लिए। और फिर मैंने कुछ मंगाया है मिंत्रा से मैंने मंगाए हैं कर्टेन और बेडशीट, ये काफ़ी अच्छे प्राइस पर मुझे मिले। तो ये है विंडो कर्टेन फ्रेंड्स, और ये मुझे 250 और 300 समथिंग में मिला है, और इसमें ये 2 का पेयर है फ्रेंड्स, 1 मैंने लगा रखा है अपने रूम में और 1 ये है। काफ़ी अच्छा मटेरियल है फ्रेंड्स इसका, काफ़ी हैवी मटेरियल है, कलर बड़ा प्यारा है इसका, फ्लोरल प्रिंट है और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाले आईलेट दिए हुए हैं। काफ़ी अच्छी लेंथ है इसकी, मेरी विंडो के लिए ये काफ़ी बड़ा था फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ बड़ा विंडो भी है तो ये उसको भी अच्छे से कवर कर लेगा। इसकी लेंथ क्या है मुझे अभी याद नहीं है, मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगी तो आप देख लीजिएगा, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप वहाँ जाके पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं इसकी। काफ़ी अच्छा मटेरियल है फ्रेंड्स और लुकिंग वाइज भी काफ़ी प्यारा है, और 300 के अकॉर्डिंग तो काफ़ी बढ़िया वाली क्वालिटी है इसकी। और फिर मैंने मंगाया है बेडशीट, इसका ब्रांड नेम भी मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगी तो आप देख लीजिएगा, और ये है कोर्टिना का बेडशीट, ये क्वीन साइज है फ्रेंड्स और इसका रियल प्राइस है 1599 यानी 1600, और ये मुझे 400 समथिंग में मिला है। इसका जो मटेरियल है फैब्रिक मटेरियल काफ़ी फाइन कॉटन है, इसका जो मटेरियल है काफ़ी फाइन कॉटन है फ्रेंड्स, और मैंने लाइट कलर ऑर्डर किया था। ये है पिलो कवर, 2 पिलो कवर हैं इसके साथ, काफ़ी लाइट वेट है फ्रेंड्स, तो आप जब भी वॉश करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देख सकते हो इसका फैब्रिक, इसका पैटर्न कुछ ऐसा है साइड से, ये जिगजैग पैटर्न है, सेंटर में कुछ ऐसा पैटर्न है और साइड में फिर से इस टाइप का पैटर्न दिया हुआ है। तो ये है इसका पैटर्न फ्रेंड्स, और काफ़ी लाइट वेटेड है, फाइन कॉटन है। तो वॉश मैंने अभी नहीं किया है, वॉश करने के बाद पता चलेगा, कलर तो इसका नहीं निकलेगा, लाइट कलर है तो, बट ये श्रिंक होगा नहीं होगा वो वॉश करने के बाद पता चलेगा, अभी मैंने वॉश नहीं किया है फिलहाल। और फिर मैंने परचेज किए हैं ये फ्लावर्स, ये 3 बंच हैं फ्रेंड्स, 1 पिंक, येलो एंड वाइट, काफ़ी खूबसूरत लगे मुझे तो ये मैंने मार्केट से परचेज किए हैं, और ये मुझे 350 और 400 समथिंग में पड़े थे, काफ़ी अच्छे प्राइस में ये मुझे मिले। इस टाइप के फ्लावर्स अभी काफ़ी ट्रेंड में हैं तो इसलिए मैंने परचेज किए, आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत हैं। जब मैं यूज़ करूँगी तो कहाँ यूज़ करूँगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये थे फ्रेंड्स फ्लावर्स, और फिर हैं डेकोरेशन के लिए कुशन कवर, ये 5 हैं और ये पूरे 5 हैं और इन पर पूरा सीक्वेंस वर्क हो रखा है, आप देख सकते हो, और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, गोल्डन कर सकते हैं, आप देख सकते हो इस तरह से, और पिंक भी कर सकते हो, आप इस पर कुछ भी लिख सकते हो।
तो ये हैं कुशन कवर और ये भी मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में मिले, 600 और 500 समथिंग मुझे मिले थे ये। ये मैंने मार्केट से परचेज किए हैं फ्रेंड्स, काफ़ी प्यारे लगे मुझे इसलिए मैंने इन्हें परचेज कर लिया। फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं थी बट फिर भी मैंने इन्हें परचेज कर लिया क्योंकि मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। मार्केट में ये बहुत कॉस्टली मिलते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हो। क्वालिटी भी, फैब्रिक की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। पीछे ज़िप दिया हुआ है और आप देख सकते हो फैब्रिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हुई दे रखी है इन्होंने, साटन दे रखा है फैब्रिक, ये भी शाइनी मटेरियल ऐड किया हुआ है तो ये साटन दे रखा है और काफ़ी प्यारा लगा मुझे ये, तो इसलिए मैंने ये परचेज़ किए। काफ़ी सुंदर हैं और फेस्टिव टाइम के लिए, और दिवाली तो लाइटिंग का त्यौहार होता है फ्रेंड्स, तो इसलिए ये भी मैंने लाइटिंग वाले परचेज कर लिए, आप देख सकते हो काफ़ी प्यारे लगे। और उसके बाद है एक हैंगिंग पीस जो फिलहाल मैंने एक ही परचेज किया है, अभी मैं मार्केट और जाऊंगी तो फिर और भी चीज़ें पसंद आ जाती हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ परचेज नहीं किया क्योंकि जब कभी भी हम फेस्टिवल पर बाहर जाते हैं तो हमें नई नई चीज़ें दिखाई देती हैं और फिर उनको भी परचेज करने का मन करता है, तो इसलिए पहले से मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें परचेज नहीं की हैं फ्रेंड्स। तो ये हैं दो पीस, तो ये हैंगिंग पीस हैं, फिलहाल मैंने दो ही परचेज किए हैं, और भी प्यारे प्यारे मिल रहे थे बट मैंने अभी परचेज नहीं किए क्योंकि अब मैं शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी दिवाली की, तब कुछ नया ज़रूर दिखेगा मुझे और फिर मन करेगा लेने का, तो फिर पड़े रहते हैं पूरे साल तो फिर बेकार हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने ये ही परचेज़ किए हैं और भी मैं हैंगिंग पीस ले कर आऊँगी फिलहाल मैंने, और ये भी मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिले, काफ़ी प्यारे और क्यूट से हैं और ये मुझे 80 समथिंग में पड़े दोनों, तो ये काफ़ी अच्छे लगे मुझे। तो फ्रेंड्स अभी तो मैंने इतना ही परचेज़ किया है दिवाली के लिए, और जो भी मैं शॉपिंग करूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। होम डेकोरेशन के लिए मैं क्या क्या परचेज़ करती हूँ देखते हैं, और परचेज़ करती भी हूँ या नहीं करती पता नहीं, फेस्टिव पर जाना होगा, इतना टाइम निकाल के जाना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो अगर मैं दिवाली के लिए और शॉपिंग करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स का शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में दिए बेल बटन को हिट कर दीजिएगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।